वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने दावा किया कि कृषि क्षेत्र पर 3-4 पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा, जिसकी कीमत मध्यम वर्ग और युवाओं को चुकानी होगी। कांग्रेस ने एक बुकलेट भी जारी किया है, जिसका नाम खेती का खून 3 काले कानून रखा गया है। मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी पार्टी की एक बुकलेट जारी की है। राहुल ने तीनों कानूनों पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर राहुल गांधी खूब बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि किसान सच्चाई जानते हैं, सभी किसानों को पता है कि राहुल गांधी क्या करता है। नड्डा जी भट्टा परसोल में नहीं थे, मेरी साफ सुथरी छवि है, मैं डरता नहीं हूँ, वे मुझे छू नहीं सकते, वे मुझे गोली मार सकते हैं। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं, कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं, किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसान किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते वो अलग बात, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है? और मैं करता जाऊंगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फनेटिक हूं, ठीक है? और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए चीन कृषि कानूनों और कोविड-19 के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बनाने संबंधी खबरों का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं, ये सिर्फ तीनों कानूनों पर नहीं रुकेंगे बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं, ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को दे सके। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं, ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है, मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे, वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उसको रोकना है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन का सम्मान करती है, लेकिन इनके खिलाफ जो भी बोलता है ये लोग उन्हें देशद्रोही बता देते हैं। सरकार वाले बोलने से पहले सोचते नहीं, आरएसएस ने इन्हें यही सिखाया है, लेकिन बोलने से पहले सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का तरीका बात करने का नहीं है, वो अलग ही तरीके से चलते हैं। देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है, ये इनकी अप्रोच है। तो ये रियलिटी है कि इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते, ये सोचना नहीं चाहते, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है, ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। राहुल गांधी किसान आंदोलन को लेकर हमलावर हैं, साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया या फिर चीन के साथ जारी विवाद पर भी लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं।
आपको बता दें कांग्रेस में जल्द ही संगठनात्मक बदलाव होना है। सूत्रों की माने तो जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें पार्टी के भविष्य को लेकर फैसला लिया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर वापसी कर सकते हैं। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।